तैयार हुआ भारत का एक और सीक्रेट ब्रह्मोस एनजी प्रोजेक्ट। अगर फायर हुई एक मिसाइल तो पलट जाएगा जंग का पासा। आकार में छोटी मिसाइल मचा देगी बड़ी तबाही। डीआरडीओ ने बनाई न्यूक्लियर मिसाइल से भी घातक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, भारत अब इजरायली थीम पर काम कर रहा है। इजराइल जो भारत का दोस्त है, जिसने आकार और ताकत दोनों के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। भारत अब सैन्य खर्च बढ़ाने जा रहा है, रक्षा तकनीक पर ज्यादा खर्च कर रहा है, साथ ही देश की जो तकनीक है उसे तेजी से बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से दुनिया में अब ड्रोन्स और मिसाइलों का क्रेज बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भारत ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। भविष्य में मिसाइलों का आकार छोटा होने वाला है और उसकी ताकत उससे कई ज्यादा गुना होगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक ऐसा वर्जन तैयार किया है जिसे एनजी ब्रह्मोस मिसाइल कहा जा रहा है। एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। दोस्तों, ये ब्रह्मोस का बहुत ही एडवांस वर्जन है। सोचिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल पहले ही दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार हो, जिसकी रफ्तार दुनिया में सभी मिसाइलों से ज्यादा हो, उसका भी एक एडवांस वर्जन आ जाए तो फिर उसकी ताकत का क्या होगा, उसकी रफ्तार कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रोजेक्ट का नाम है एनजी प्रोजेक्ट, और ये बेहद खुफिया तरीके से भारत पिछले 4 साल से अंजाम दे रहा है, जिसका पहला टेस्ट हाल ही में पूरा हुआ है और जल्द ही ये मिसाइल सामने आने वाली है। ये आकार में बेहद छोटी है, लेकिन तबाही ऐसी मचाती है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। और दोस्तों, खुद रूस ने कभी सोचा नहीं था कि भारत का डीआरडीओ कुछ ऐसा कर डालेगा। लिहाजा दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भारत ने ऐसा क्या उतार दिया है जिससे अमेरिका छोड़िए रूस और चीन परेशान हो उठे हैं, उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। तो पाकिस्तान तो डर के मारे थर थर ही कांप रहा है। डीआरडीओ ने उतार दिया ब्रह्मोस का सबसे घातक वर्जन, आकार में छोटी लेकिन ताकत में बेहद खतरनाक। दोस्तों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एक नए अवतार पर काम हो रहा है। ये एनजी वर्जन होगा, यानी अगली पीढ़ी की मिसाइल। पहले से ज्यादा छोटी और हल्की होगी, लेकिन दुश्मन पर ज्यादा भारी पड़ेगी। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम हो रहा है और इंडियन एयरफोर्स को ये साल 2025 तक मिल भी जाएगी। शुरू में इसे फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट किया जाएगा। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने बनाया है। ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और रूस का ज्वाइंट वेंचर है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही ये मिसाइलें मौजूद हैं। अब ब्रह्मोस का एनजी वर्जन बन रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस एयरस्पेस के जीएम एयर वर्जन ग्रुप कैप्टन एमके श्रीवास्तव ने कहा है कि हम प्रोजेक्ट पर पिछले 4 से 5 साल से काम कर रहे हैं। अब इस स्टेज पर आ गए हैं कि मिसाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डिजाइन फाइनल कर लिया है, और हमें उम्मीद है कि इसे हम कई प्लेटफॉर्म्स पर इंटीग्रेट कर पाएंगे। इस मिसाइल में काफी यूनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अभी ब्रह्मोस एनजी के एयर वर्जन पर काम हो रहा है, यानी जो हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर टारगेट को नष्ट करेगी। इसके बाद जमीन पर हमला करने वाली, शिप से जमीन पर मार करने वाली और शिप से शिप पर मार करने वाली मिसाइल का एनजी वर्जन भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक फिलहाल करीब 300 किलोमीटर तक की रेंज पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसे 300 से 400 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। एक बार जमीनी टारगेट वाली मिसाइल तैयार हो गई तो फिर शिप को टारगेट करने वाली मिसाइल बनाने में केवल 10 से 12 महीने ही लगेंगे। दोस्तों, आप सवाल करेंगे कि भारत इस मिसाइल को क्यों बना रहा है। तो दोस्तों, पहला कारण तो ये है कि भारत इसका निर्यात करेगा। दूसरा कारण ये है कि कई देशों के पास छोटे फाइटर जेट्स हैं, तो ये मिसाइल उनके लिए परफेक्ट साबित होगी और ब्रह्मोस मिसाइल का एनजी वर्जन ही उनके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। दूसरा एक बड़ा कारण यह भी है दोस्तों कि ये बेहद छोटी है, वजन में कम है, तो एक साथ 3 मिसाइलें ले जाई जा सकती हैं। तीनों मिसाइलों को अलग अलग टारगेट्स पर एक साथ लॉन्च किया जा सकता है, इससे कई टारगेट हिट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस एनजी का वजन 1.6 टन होगा और इसकी लंबाई होगी 6 मीटर। पहले वाले वर्जन की मिसाइल का वजन 3 टन था और ये 9 मीटर लंबी है। भारत इस मिसाइल का खुद भी यूज करेगा और इसका निर्यात भी करेगा। इसके लिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर कई देशों से बातचीत चल रही है।
वैसे दोस्तों भारत इसे सबसे पहले अपने एलसीए तेजस में फिट करना चाहता है। तेजस को ब्रह्मोस एनजी से लैस करने से एयरक्राफ्ट की अटैकिंग पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद ये एयरक्राफ्ट वायुसेना के लिए एक और घातक योद्धा बन चुका होगा। एलसीए तेजस में ब्रह्मोस एनजी को लगाने के बाद ये एयरक्राफ्ट जमीन और समंदर में अपने टारगेट्स को सटीक रूप से हिट कर पाएगा। इसके साथ ही 300 किलोमीटर से अधिक की सीमा के साथ ब्रह्मोस एनजी एलसीए तेजस को दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ स्टैंड ऑफ हमले शुरू करने की क्षमता प्रदान करेगी, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस में इसके लिए खतरा कम हो जाएगा। दोस्तों इस नए अपग्रेडेड वर्जन के तेजस में लगाए जाने से वायुसेना की ऑपरेशनल एक्टिविटी को और ज्यादा ताकत मिलेगी और बड़ी बात यह है कि इसमें 70-80% तक इक्विपमेंट्स भारत के ही लगे हुए हैं, यानी ये पूरी तरह से स्वदेशी वाले रूप में काम करेगी। लिहाजा दूसरे देशों पर भारत को निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आत्मनिर्भर भारत जब चाहे तब इसका इस्तेमाल बढ़िया तरीके से कर सकेगा, साथ ही इसे खुद अपने निर्णय लेकर के निर्यात भी कर पाएगा। और दोस्तों जल्द ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ये अगली पीढ़ी ब्रह्मोस एनजी भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। पहले तेजस और फिर बाकी के फाइटर जेट्स में इसे लगाया जाएगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगली पीढ़ी ब्रह्मोस एनजी का एयर वेरिएंट विकसित और डिजाइन किए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है और इसकी रेंज को बढ़ाकर के 400 किलोमीटर तक किए जाने की संभावना दिख रही है। अब इसके नेक्स्ट टेस्टिंग अगले साल से शुरू होगी और साल 2025 तक इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि खुद रूस की एयरफोर्स भी इसे अपने 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 जेट के अंतिम विकास के दौरान लगाने वाली है। ब्रह्मोस एनजी को खरीदने वालों की लगी लाइन, दुनिया में चीन छोड़िए अमेरिका के पास भी नहीं है कोई कार्ट। दोस्तों इस मिसाइल को खरीदने वाले देशों की लाइन लगी हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही भारत के ब्रह्मोस एनजी को खरीदने के लिए अब आसियान देश लगातार दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आसियान देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं, जिनमें फिलीपींस के साथ भारत ब्रह्मोस मिसाइल की ऑलरेडी डील कर चुका है। तो वहीं इंडोनेशिया के साथ ही भारत ने हाल ही में 350 मिलियन की डील फाइनल स्टेज में पहुंचा दी है। इतना नहीं दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, दक्षिण अमेरिका के कई देश, विशेष तौर पर ब्राजील और पश्चिमी एशियाई देशों और दक्षिण अफ्रीका ने इस मिसाइल प्रणाली के ब्रह्मोस एनजी वर्जन में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई है। और इस मिसाइल को लेकर के बड़ी बात यह है कि इसका डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अत्याधुनिक ब्रह्मोस एनजी के प्रति कई देशों की दिलचस्पी को बढ़ता देख अपने डिफेंस कॉरिडोर में इसका प्रोडक्शन शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। दोस्तों दुनिया में इसकी दिलचस्पी बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही है और इसका बड़ा कारण ये है कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का छोटा संस्करण है। ये पहले वाली से बहुत ज्यादा छोटी है और बहुत ही हल्की है, लेकिन दुश्मन पर अधिक मार करती है। इससे ग्राउंड बेस्ड, एरियल, सरफेस और अंडर वाटर बेस्ड प्लेटफॉर्म पर तैनात करने के लिए बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस एनजी में कम रडार क्रॉस सेक्शन हैं, जिससे दुश्मन की वायु प्रणालियां इसकी भनक तक नहीं लगा पाती हैं। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि चीन का रडार सिस्टम अभी ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाता है, तो ब्रह्मोस एनजी उसके लिए नामुमकिन टास्क है। तो वहीं अमेरिका और खुद रूस के पास भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट लिख करके जरूर बताएं।